बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा इनसे, मेरा एसोसिएशन बहुत पुराना है, इनके शुरुआती वक्त से ही हम साथ में हैं, और जो जिस तरह की फिल्म हम लोगों ने किया है, काफ़ी फिल्में किया है जिसमें अधिकतर फिल्मों में रवि जी थे, तो एक मेरी बड़ी अच्छी दोस्त हैं और बहुत अच्छी अदाकारा हैं, और सबसे अच्छी बात है कि बहुत ही बढ़िया इंसान है जिनको कह सकते हैं, हमेशा लोगों से मिलजुल के रहना, तो मुझे इनके जन्मदिन पे आने में बड़ी खुशी मिलती है। मैं हर साल कोशिश करता हूँ कि आऊँ, मिस नहीं करता हूँ, मैं तकरीबन हर साल आ ही जाता हूँ मैं जी। तो क्या यादगार लम्हे शेयर करना चाहेंगे संगीता जी के साथ? इनके साथ बिताए हुए हर लम्हे यादगार हैं, हम लोगों ने एक फिल्म किया था धुरंधर, उसके हर लम्हे बड़े यादगार रहे हमारे इनके बीच में, उसमें प्रोड्यूस भी करी थी उस फिल्म को, तो मैं बस ये बोलूँगा कि कितनी अच्छी अभिनेत्री हैं ये दर्शक जानते हैं, लेकिन कितनी अच्छी दोस्त हैं ये हम जानते हैं, ये बहुत अच्छी दोस्त हैं, और वक्त पे किसी के लिए खड़े रहना इनकी फितरत में है, और ये इनके भाई साहब दीपक तिवारी जी दोनों बड़े सुलझे हुए इंसान हैं, बड़े अच्छे इंसान हैं जी। बस यही बोलूँगा, आज का दिन इनके जीवन में बार बार आए, बारम्बार आए और आते ही रहे, ताकि हर साल हम इनके इस दिवस को एक उत्सव के रूप में मनाएं। तो अगेन हैप्पी बर्थडे संगीता जी। कल दही हंडी है और 15 अगस्त भी है, स्वतंत्रता दिवस एक तरह जो है, क्या कहना चाहेंगे? स्वतंत्रता दिवस तो है, दही हंडी भी है, सब चीज़ है, जन्माष्टमी भी आज है। स्वतंत्रता दिवस का सही मतलब समझना हम सब नागरिकों को आवश्यक है कि हम स्वतंत्रता दिवस का सही मतलब समझें, जिस दिन हम मतलब समझ पाएँ पूरी तरह से उस दिन ही हमारे लिए स्वतंत्रता दिवस होगा, बाकी हम सब कोशिश कर रहे हैं कि इस दिवस के महत्व को समझें, जिस दिन महत्व तो समझ में आ जाएगी उस दिन हमें देश प्रेम ज़्यादा हमारे अंदर पनपने लगेगा और देशभक्ति तभी से पनपेगी। मुझे लग रहा है कि हम जानते हैं कि कल 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन इसकी अहमियत को शायद हम भलीभांति नहीं पहचान पाते हैं, जिस दिन पहचान पाएंगे वो दिन हमारे लिए बड़ा खूबसूरत दिन होगा। कोशिश में मैं भी हूँ, आप भी लगे रहें इस दिवस के इस महत्व को समझें। बस बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। उसी के साथ साथ एक ऑडिशन खड़ी है हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए, जी जी पिताजी पवन जी के गए हैं, और ये उम्र नहीं थी उनके जाने की, हालांकि पिता तो पिता ही होते हैं, कितने भी बुजुर्ग हो जाए माँ बाप, वो जब जाते हैं तो तकलीफें ज़्यादा बढ़ जाती है एक पुत्र के लिए। और पवन सिंह जी वैसे बहुत इमोशनल आदमी है, वो शायद अपने आप को संभाल पाने में वो असमर्थ होंगे, उनके साथ बहुत लोग हैं, पूरी इंडस्ट्री उनके साथ है इस दुख की घड़ी में। बस यही कहूँगा कि चंद वो पुत्र होते हैं जो माँ बाप की कदर करते हैं, उनमें एक है पवन सिंह जी, जो बहुत कदर करते हैं अपने माँ बाप का, आज माँ है उनकी। मैं भी एक ऐसा बदनसीब इंसान हूँ जिसके जीवन में पिता का साया हट चुका है, इस इंडस्ट्री में आने के पहले ही उनका साया मेरे सर से हट चुका था, तो पिता के जाने का जो गम होता है और पूरी ज़िंदगी कैसे उनकी याद में बितानी पड़ती है, हंसते हंसते अचानक याद आ जाता है कि मेरे पिताजी होते तो ऐसा होता, हमारी इन खुशियों को ऐसा शेयर करते हैं। जब उन्होंने हमारे लिए सब कुछ किया तब हम उनको देख पाते थे, आज हम उनके लिए कुछ करने को तत्पर है तो वो हमारे बीच नहीं है, तो पिता का महत्व शायद मुझे लगता है कि एक माँ से ज़्यादा महत्व पिता का होता है, और जितना मेरे लिए मेरे पिता का महत्व पवन जी के लिए भी उतना ही है, इस दुखी घड़ी में पूरा इंडस्ट्री उनके साथ है, यही बोलूँगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। पवन गए हैं, गाँव गए हैं पवन जी, और जो अंतिम क्रिया होती है वो करेंगे, फिर आएंगे। ज़िंदगी तो यूँ ही निरंतर चलती रहती है, लेकिन जो एक कमी जो है, कल बात हुई हमारी पवन जी से, कल उन्होंने एक शब्द बोला था कि मेरा नाम जोकर फिल्म बनी थी तो शायद हम जैसे कलाकारों पे ही आधारित थी। कल उनके पिताजी का अंतिम संस्कार होना था और वो इंदौर में अपना शो कर रहे थे, क्योंकि वो कमिटमेंट था एक एक्टर के, जिनमें ज़िंदगी में ये बातें हमेशा होती है, शो मस्ट गो ऑन, तो पवन जी ने उसको सार्थक किया, कल उन्होंने शो किया और आज फिर गए अपने पिताजी का अंतिम संस्कार करने के लिए। तो एक बहुत बड़ी सीख है, बहुत बड़ी बात है हमारी पूरी इंडस्ट्री के लिए, हम तमाम कलाकारों के लिए, कि जो हम अच्छे हैं बुरे हैं ये हम पे तभी लागू होता है जब हम अपने रिश्ते से आकलन करते हैं कि हम एक अच्छे हैं या बुरे हैं, हमें लोग बुरे कह सकते हैं लेकिन हम पहले
शुरुआती दौर में देखें कि हम अपने माँ बाप के लिए कितने अच्छे पुत्र हैं, भाई बहन के लिए कितने अच्छे भाई हैं, दोस्तों के लिए कितने अच्छे दोस्त हैं। ऐसे ही इस तरह के नज़दीकी रिश्तों से ही आदमी अच्छे बुरे की पहचान होती है। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ पवन जी बहुत अच्छे इंसान हैं और उन्होंने आज तो एक साथ ऐसा फ़र्ज निभा लिया, एक कलाकार का भी फ़र्ज़ निभाया और एक पुत्र का भी फ़र्ज़ निभाया उन्होंने, तो सल्यूट है उनको और दिल से उनके प्रति हमारी बोलते क्या दुआ तो नहीं कह सकता हूँ, उनका साथ है, हमेशा रहेंगे साथ, पूरी इंडस्ट्री उनके साथ है। उनके पिताजी को भोजपुरी इंडस्ट्री में चाचा के नाम से कितनी कमी हाँ तकरीबन सभी उनसे परिचित थे। आज इसी वजह से सबको शायद लग रहा है कि आज स्पेशली उनके बीच का कोई चला गया, कोई फोन का रिश्ता नहीं है, फिर भी मुझे भी लग रहा है, मैं भी उनसे कई बार मिला हुआ, तो मुझे भी लग रहा है कि शायद अपने बीच का कोई चले गए। खलिश तो रहेगी, जाना आना तो है, लगा रहता, आज वो गए कल हम जाएँगे, परसों आप जाएँगे, हम सबको जाना है, लेकिन फिर भी ये जाने की प्रक्रिया इतनी दुखद हो जाती है कि ज़िंदगी भर उनकी याद सताती है। हम तो चले एक सह कलाकार हैं पवन जी के, जिन पे ये बीतती है वो जानते हैं कि एक पिता का छत्र छाया किसी भी इंसान के सर से उठना, मतलब उससे बड़ा मातम कुछ नहीं होता है, उस पीड़ा को झेलना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन ज़िंदगी है, झेल ही लेते हैं। एक जीवन में कितनी ज़िंदगियाँ जीनी पड़ती हैं हम इंसानों को, खास करके कलाकार के जीवन में तो बहुत सारी ज़िंदगियाँ आती हैं, उसको जीना ये भी एक प्रकार का रंगमंच है। हाँ जीवन ही एक रंगमंच मंच है, हम सब किरदार निभा रहे हैं, सुख दुख की घड़ी आती रहती है, मजबूत इंसान वो है कि दुख की घड़ी को सामना करते हुए आगे बढ़ते रहें, और निरंतर बढ़ना ही हमारा काम है। हमारा पहला पेशा ये है कि हमारा जो जीवन है हमारे दर्शकों के लिए समर्पित है, उसके बाद हमारी ज़िंदगी में हमारे नाते रिश्ते अपने पराए आते हैं, तो हमें पहले हमारे दर्शकों के लिए जीना है, क्योंकि कुछ ज़िंदगियाँ ऐसी होती है डॉक्टर मरीजों के लिए होते हैं, उनका परिवार सेकेंडरी होता है, उस तरह से कलाकार भी अपने दर्शकों के लिए होते हैं। हमारी ज़िंदगी में पहले हमारे दर्शक हैं, उनकी खुशियाँ, उनका एंटरटेनमेंट, उसके बाद हमारी निजी ज़िंदगी होती है, तो पवन जी ने इसका निर्वाह बड़े भलीभांति किया है और मुझे लगता है कि सबको इस तरह का निर्वाह करना चाहिए, उसके बाद अपनी ज़िंदगी जो है अपने माँ बाप का कर्ज, ये जीवन हमारा आज हमारे माँ बाप की वजह से, वो ना होते तो हम इस दुनिया में आते ही नहीं, ना हमें वो रूपरेखा मिलती, ना वो संस्कार मिलता, तो है सबके साथ ऐसी घटना घटनी है, बड़ा ही दुखद, बातों को बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए, बस भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, पवन जी को हिम्मत दे और पवन जी वापस आएँ और पुनः रॉक करें इस इंडस्ट्री में, यही दुआ है उनके साथ। थैंक यू।